वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 5, यूनिट नंबर 2, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, मैथ्स फॉर क्लास 8, 9th एंड 10th। टुडे वी विल डिस्कस एंड रीड कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स, and then we will do exercise 2.5. Concept of radicals and positive square roots of a real number. From the last four videos, we have understand the exponents and laws of exponents, that the exponent of a real number is a multiple of its own for n times. Now consider it. गुज़िश्ता चार जो पार्ट्स हमारे यूनिट के थे, उनमें हमने सीखा कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, और हमें मालूम है कि एक्सपोनेंट क्या है। किसी भी नंबर को, रियल नंबर को, अपने आप से जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस नंबर को, इस तादाद को, इस एन टाइम्स को हम कहते हैं दैट इज द एक्सपोनेंट ऑफ दैट नंबर। तो आप इसको नोट करते हुए ज़रा इस एग्जाम्पल के ऊपर गौर कीजिए। देखिए, यहाँ दिखाया गया है कि a मल्टीप्लाइड बाई a इज अ रियल नंबर। अब अगर इसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो क्या होगा? क्योंकि कॉमन बेस है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ ये कहता है कि कॉमन बेस की सूरत में a हम इसे एक बार लिख देंगे, और इसके बाद a के ऊपर जो पावर है उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ a के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब क्या, पावर वन है, तो दोनों पावर वन है, तो वन प्लस वन ए पावर वन प्लस वन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर। यानी अगर किसी भी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए सिर्फ एक बार, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर हमें मिलेगा, उसकी एक्सपोनेंट यानी पावर उसकी टू हो जाएगी। विच मीन्स टू मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू टू पावर वन प्लस वन इक्वल्स टू टू स्क्वायर। बट हम जानते हैं कि टू टू जा फोर, टू को मल्टीप्लाई करें टू से तो वो फोर। इसका मतलब ये है कि फोर को हम अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा, टू का स्क्वायर। इसी तरीके से सिमिलरली फॉर रियल नेगेटिव नंबर्स, इनके लिए देखिए, माइनस टू को मल्टीप्लाई करें अगर माइनस टू से, तो अगेन बेस सेम है, माइनस टू है, माइनस टू एक बार लिख दिया गया। पावर इनकी क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है पावर, तो इसका मतलब ऑब्वियसली दैट इज पावर वन, तो वन प्लस वन पावर एड करेंगे तो माइनस टू पावर स्क्वायर। और अगेन हम देखें कि माइनस टू को अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस टू टू जा माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर, यानी प्लस हो जाएगा ये। और हम ये पढ़ चुके हैं कि पावर अगर इवन नंबर की होगी, यानी टू फोर सिक्स एट टेन, तो बेस की साइन चेंज हो जाती है, यानी वो पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव बेस को वो पॉजिटिव कर देता है। यहाँ इसका सबूत भी हमें मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू टू जा फोर, यानी बेस अब पॉजिटिव बेस में चेंज हो गया, माइनस टू के बजाय प्लस फोर हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर क्या है कि माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हम इसको शो कर सकते हैं, फोर इक्वल्स टू माइनस टू स्क्वायर। ये तो बेसिक वो चीज़ें हैं जो हम पिछले गुज़िश्ता फोर पार्ट्स में हम इसको समझ चुके हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं, हैंस वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज आइदर टू और माइनस टू। असल में स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर हमारे समझ में आ रहा है कि अगर एक नंबर का स्क्वायर जो है वो कोई नंबर एक्स हो सकता है, यानी टू का स्क्वायर क्या है, वो फोर के बराबर है। तो अब ये फोर दरअसल कहाँ से आया, ये फोर असल में टू की वजह से आया, गोया इसकी रूट है, रूट का क्या है, ये टू है, ये टू ये रूट है जिसकी वजह से ये फोर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर जो है उसका स्क्वायर रूट जो होगा, क्योंकि स्क्वायर है ये, अपने आप से दो मरतबा मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट जो होगा इसका या तो टू हो सकता है, जैसा कि इस जगह पे फर्स्ट केस में हमने देखा, या तो इसका स्क्वायर रूट टू हो सकता है, या फिर इसका स्क्वायर रूट माइनस टू हो सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें हमें यहाँ पर समझ में आ रही हैं कि कोई भी नंबर अगर एक स्क्वायर फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके दो स्क्वायर रूट्स हो सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है और या फिर एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी कैन रीराइट इज एट, अब इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, यानी इस इक्वेशन को फोर इज इक्वल टू टू स्क्वायर,
तो अब ये जो टू है इसको अगर हम यहाँ से खत्म करें तो ये जो स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर की जो पावर है ये 4 के ऊपर आ जाएगी, लेकिन किस फॉर्म में, 1/2 की फॉर्म में, यानी 4 पावर एक्स या 4 एक्सपोनेंट 1/2 इक्वल्स टू 2। यही इक्वेशन जो 4 = 2² थी उसको हमने इस कन्वर्ट किया इस फॉर्म में, यानी 4 ½ पावर इक्वल्स टू 2। और इस हाफ पावर को हम एक साइन से जाहिर करते हैं जिसको कहते हैं अंडर रूट। क्या कहते हैं? अंडर रूट या रेडिकल साइन। तो अंडर रूट ऑफ 4 या स्क्वायर रूट ऑफ 4 या रेडिकल ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, यानी ये इक्वेशन जो है अब इसे हम इस नोटेशन में लिख सकते हैं। और इन जनरल या जनरली अगर हम यहाँ पर एक नंबर के हवाले से बात करें तो अंडर रूट ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स, ये एक जनरल फॉर्म हमारी आती है। इन द नोटेशन अंडर रूट क्यू द साइन अंडर रूट इज कॉल्ड रेडिकल। ये जो ऊपर नोटेशन है अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू एक्स, इसमें जो साइन है ये वाली जो साइन है इस किस्म की, जिसको हम कहते हैं रेडिकल साइन या रेडिकल कहते हैं, ठीक है। एंड क्यू, और ये जो अंदर नंबर क्यू है इसको, इसे क्या कहा जाता है, इस कॉल्ड रेडिकेंड, रेडिकल एंड रेडिकेंड। एंड इट इज ऑलवेज रिमेम्बर डेट द एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ साइन रेडिकल इज 1/2। अगर सिर्फ रेडिकल की साइन बनी हुई है और इसके साथ कोई छोटा सा इंडेक्स नहीं मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ये दैट इज द स्क्वायर रूट रेडिकल है, और इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2, एक्सपोनेंट वैल्यू 1/2। यानी अगर किसी नंबर पे अगर रेडिकल की साइन मौजूद हो तो इसका मतलब ये कि उसकी पावर है 1/2। होपफुली रेडिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि एग्जाम्पल में 4 था, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? वो होगा 2। यानी 4 जो है 2 को अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने पर आया था, 2 2 4। इसी तरह जैसे एक नंबर है 81, तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किस वजह से आया? ये 9 को अपने आप से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने पर आया, 9 × 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इसका स्क्वायर रूट हो गया, किसका? 81 का। सिमिलरली 9 को देख परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये किस तरह आया होगा? दो नंबर 3 उनको अपने आप से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3, 3 3 9। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। ये पिछली क्लासेस में भी हमने इसका एक चार्ट बनवाया था, आप लोगों को याद होगा, और हमने इसे कहा था कि इसे लर्न कीजिए, खासतौर पे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट हमें याद होने चाहिए अच्छी तरीके से, और परफेक्ट स्क्वायर भी याद होने चाहिए, और इसका बड़ा फायदा रहता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स हैं, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए इक्वल्स टू एक्स, देन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी अगर स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर ए है उसकी वैल्यू एक्स के बराबर होती है, तो अब इसका मतलब ये होगा कि खाली ए किसके बराबर होगा? वो इस एक्स के स्क्वायर के इक्वल्स होगा। ये जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर एक एक नंबर ए है 4, तो इस स्क्वायर रूट इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है दो नंबर अगर उनकी बेस सेम है, यानी ए उनको मल्टीप्लाई ए से करें, तो क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। ए अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ए इक्वल्स टू ए, सच डेट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऊपर वाली कंडीशन भी ये है कि ए जो है 0 से बड़ा होगा या 1 0 के बराबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। थर्ड है अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी, दो नंबर हैं ए और बी, तो इसका स्क्वायर रूट हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि अंडर रूट होल अंडर रूट ए बी, यानी ए और बी को अंडर ए की स्क्वायर रूट की साइन के अंदर ले आए और ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, जबकि ए और बी दोनों ही 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है अंडर रूट ए अपॉन ए, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट 1 होगा, यानी अंडर रूट ए और अंडर रूट ए एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और रह जाएगा 1। सिंपल फ्रैक्शन का रूल है ये। नंबर 5 ए अपॉन अंडर रूट ए, ए अपॉन अंडर रूट ए का रिजल्ट होगा अंडर रूट ए, सच डेट ए इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। ए जो है 0 भी नहीं होगा ना ही नेगेटिव होगा, बल्कि ए एक पॉजिटिव होगा नेचुरल नंबर।
सिमिलरली अंडर रूट ए अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए, यानी ए अंडर रूट ए अपॉन ए को ऊपर स्क्वायर रूट है उस, वो डिनोमिनेटर में चला गया और नीचे जो ए था वो खत्म हो गया और नोमरेटर में वन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी ए को जीरो से बड़ा होना चाहिए, वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। नंबर सेवन, अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट ए अपॉन बी, मतलब क्या है कि दो नंबर ए है और बी है और उनका स्क्वायर रूट निकाला जा रहा है, तो इसको हम अंडर रूट होल अंडर रूट की साइन के अंदर ए अपॉन बी को रखकर भी निकाल सकते हैं। सच दैट बी इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो के से बड़ा हो, जीरो के बराबर भी ना हो, ना इससे छोटा हो, नेगेटिव नहीं हो सकता ये, ना ही ये जीरो हो सकता है। नंबर एट, अब यहाँ पर देखिए ए अंडर रूट बी प्लस सी अंडर रूट बी, क्या चीज नजर आ रही है कि दो दो टर्म्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है और इनमें कॉमन टर्म क्या है, वो अंडर रूट बी है। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ए और सी जो अनकॉमन है इन दोनों को तो ऐड करेंगे, ए प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने ए प्लस सी, और कॉमन टर्म क्या है अंडर रूट बी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट बी को इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस तरीके से ये सॉल्व किए जाएंगे। सच दैट बी इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें यह चीज का ख्याल रखा जाएगा कि बी जो है जीरो ना हो, ना ही नेगेटिव नंबर हो, बल्कि बी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कोशिश करें कि इस कॉन्सेप्ट को और एटलीस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स को जरूर राइट डाउन करें, और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमारे यूज में एक्सरसाइजेस के अंदर आती रहेंगी, इसे लर्न भी करना है। एक्सरसाइज 2.5, सिंप्लीफाई अंडर रूट 169।